हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को MT2 लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत प्रीवियस ईयर्स में मिनिमल पॉलीनोमियल पर बेस्ड पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है दिसंबर 2015 से। क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स विच इज गिवन एज फॉलोज। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर मिनिमल पॉलीनोमियल का डेफिनेशन जान लें कि किसी मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलीनोमियल किसे हम कहते हैं। यहाँ कह रहा है द मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स ए ओवर एफ इज द मोनिक पॉलीनोमियल PT सच दैट PA इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स एंड इफ QT इज अ नॉन जीरो पॉलीनोमियल ओवर एफ सच दैट डिग्री ऑफ Q इज लेस देन डिग्री ऑफ P देन QA इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलीनोमियल उस मोनिक पॉलीनोमियल PT को हम कहते हैं, ठीक है, जिसमें कि अगर हम T की जगह उस मैट्रिक्स A को पुट करें तो वह जीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए और उसके बाद उस पॉलीनोमियल से कम पावर वाले किसी भी पॉलीनोमियल नॉन जीरो पॉलीनोमियल में अगर हम T की जगह A पुट करें तो वह जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमें क्या ध्यान रखना होगा कि वह पॉलीनोमियल मोनिक पॉलीनोमियल होना चाहिए, यानी कि सबसे ज़्यादा पावर वाला जो टर्म होगा, ठीक है, उसका कोएफिशिएंट यूनिट होना चाहिए, वन होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उस पॉलीनोमियल में T की जगह A पुट करें तो वह जीरो मैट्रिक्स हो जाए, ठीक है, और इस आधार पर ही हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो वह पॉलीनोमियल पता करने के लिए किसका सहारा लेंगे, इस मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल का सहारा लेंगे, उसी से हमें मिनिमल पॉलीनोमियल पता चलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकलता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस TI, जहाँ ए मैट्रिक्स है, ठीक है, T स्केलर है और ये I क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब मैट्रिक्स ए में हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज में T को माइनस करेंगे और बाकी एंट्रीज एज इट इज ही रहेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टी डायगोनल एंट्रीज और बाद बाकी एंट्रीज एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 ही आएगा, ओके। अब हम इसे इवेल्युएट करेंगे इस शॉर्ट ट्रिक की सहायता से। यहाँ पर TQ माइनस सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू T² प्लस सम ऑफ डायगोनल माइनस ऑफ ए इंटू टी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब इस पर हम मान को पुट करेंगे, TQ माइनस सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 है तो यहाँ ऐड करते हुए दिखा देंगे इंटू T², फिर सम ऑफ डायगोनल माइनस ऑफ ए, तो जितने भी डायगोनल माइनस हमें होंगे उनका सम यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्राप्त हो रहा है इंटू टी माइनस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हमें 1 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ TQ माइनस 3T² प्लस 3T - 1। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम इस तरह से। फैक्टराइजेशन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर T - 1 का होल क्यूब प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर मिनिमल पॉलीनोमियल इसी से फाइंड करेंगे। तो मिनिमल पॉलीनोमियल क्या होगा, वह पॉलीनोमियल जो इस पॉलीनोमियल को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है, और उसमें भी क्या टी की जगह मैट्रिक्स ए को पुट करें, ठीक है, तो वह पॉलीनोमियल जो है जीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिनिमल पॉलीनोमियल क्या क्या हो सकता है, मतलब कौन कौन से पॉलीनोमियल इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो T - 1 या T - 1 का होल स्क्वायर या T - 1 का होल क्यूब इसको डिवाइड कर सकता है। तो अब इन तीनों में कौन ऐसा पॉलीनोमियल जिसमें टी की जगह हम ए पुट करें यानी उसे मैट्रिक्स फॉर्म में ले आए तो वह किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, ठीक है, टी की जगह ए पुट करना मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर T - 1 का होल स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पर A - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होता है, जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि T - 1 होल स्क्वायर क्या है, मिनिमल पॉलीनोमियल है। यहाँ T - 1 में अगर हम टी की जगह ए पुट करते हैं और 1 की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं तो यह जीरो पॉलीनोमियल नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें भी हमें जीरो पॉलीनोमियल प्राप्त होता है लेकिन यहाँ पर टी का पावर ज़्यादा हो जाता है और यहाँ टी का पावर कम हो जाता है। तो हमें वैसा पॉलीनोमियल लेना है जिसमें टी का पावर कम हो,
इसलिए हम टी माइनस वन का होल स्क्वायर ही लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस तरह से मिनिमल पॉलिनोमियल पी टी इज इक्वल टू टी माइनस वन का होल स्क्वायर। अब अगला 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर द मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पर भी सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस टी आई। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, वैल्यू टी स्क्वायर इंटू टी प्लस वन, ठीक है। तब इसके द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है। तो इसे डिवाइड करने वाला पॉलिनोमियल और ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जीरोज वही हों जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के जीरोज हों, ठीक है। तो इसलिए टी स्क्वायर इंटू टी प्लस वन को डिवाइड करने वाला टी इंटू टी प्लस वन या टी स्क्वायर इंटू टी प्लस वन, ठीक है। यहाँ पर इसके जीरो जीरो और माइनस वन होंगे, तो यहाँ पर इन इसका भी जीरो माइनस वन हो सकता है, इसका भी जीरो माइनस वन हो सकता है। मतलब हमें मिनिमल पॉलिनोमियल का जीरो और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जीरो समान होना चाहिए। इस आधार को देख इस बात को देखते हुए हम इस तरह से मिनिमल पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक है। तो या तो ये हो सकता है, तो अब कौन हो सकता है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, टी की जगह ए पुट करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि टी स्क्वायर इंटू टी प्लस वन में अगर हम टी की जगह ए पुट करते हैं, ठीक है, और वन को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर इज इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होता है, जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि टी स्क्वायर इंटू टी प्लस वन क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल है। यहाँ पर अगर हम टी की जगह इसमें ए पुट करते हैं तो हमें ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं प्राप्त होता है, इसमें पुट करने पर प्राप्त होता है, इसलिए मिनिमल पॉलिनोमियल लिख देंगे। देयरफॉर मिनिमल पॉलिनोमियल पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू टी प्लस वन। इस तरह से दिसंबर 2012 में फाइंड द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए इज, इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस टी आई। तो इसे हम यहाँ पर इवैल्यूएट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, टी क्यू माइनस फाइव टी स्क्वायर प्लस एट टी माइनस फोर। तो यहाँ पर हमें इसका फैक्टराइजेशन करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, टी माइनस वन इंटू टी माइनस टू का होल स्क्वायर। देयरफॉर द मिनिमल पॉलिनोमियल पी टी इज आइदर टी माइनस वन इंटू टी माइनस टू और टी माइनस वन इंटू टी माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसको डिवाइड करने वाला पॉलिनोमियल टी माइनस वन इंटू टी माइनस टू या टी माइनस वन इंटू टी माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। हम सिर्फ टी माइनस वन या सिर्फ टी माइनस टू नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उस स्थिति में हमें जीरो बिल्कुल एक जैसा नहीं होगा, हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जीरो और मिनिमल पॉलिनोमियल का जीरो समान होना चाहिए। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जीरो देखें तो हमें वन और टू हो रहा है, और अगर हम सिर्फ टी माइनस वन लेते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल के रूप में तो उसका जीरो क्या होगा, ओनली वन होगा। इसीलिए हमें यहाँ पर टी माइनस वन इंटू टी माइनस टू या टी माइनस वन इंटू टी माइनस टू का होल स्क्वायर हो सकता है या मिनिमल पॉलिनोमियल के रूप में। तो अब इन दोनों में कौन होगा, तो इसके लिए हमें यहाँ टी की जगह ए पुट करके देखना होगा दोनों में, किसमें ए पुट करने पर हमें जीरो मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें टी की जगह ए पुट करते हैं, ठीक है, वन की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू को टू आई में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, जीरो मैट्रिक्स प्राप्त नहीं होता है। तो अगर इसके द्वारा जीरो मैट्रिक्स प्राप्त नहीं हुआ तो इसके द्वारा जरूरी हमें प्राप्त होगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि पी टी इज इक्वल टू टी माइनस वन इंटू टी माइनस टी का टू का होल स्क्वायर ही क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल है, ओके। इसके बाद लेट टी बी द लीनियर ऑपरेटर ऑन आर क्यूब विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ए इज इक्वल टू, ठीक है। इस तरह से फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड द मिनिमल पॉलिनोमियल्स ऑफ टी। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस टी आई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे इवैल्यूएट करेंगे सॉफ्ट टी के द्वारा, टी क्यू माइनस सेवन टी स्क्वायर प्लस सिक्सटीन टी माइनस ट्वेल्व। तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, फैक्टराइजेशन करने पर टी माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू टी माइनस थ्री, ठीक है। तो अब देयरफॉर द मिनिमल पॉलिनोमियल पी टी इज आइदर टी माइनस टू इंटू टी माइनस थ्री और टी माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू टी माइनस थ्री, ठीक है। तो अब इसमें से कौन होगा मिनिमल पॉलिनोमियल, तो टी की जगह ए पुट करते हैं और देखते हैं कि यदि वह जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होता है, इन दोनों में से जिसमें जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होता है वही क्या हो जाएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल। तो इसमें यदि पुट करते हैं तो यह जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होता है, तो निश्चित है कि इसमें
टी की जगह ए पुट करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या कहेंगे, मिनिमल पॉलिनोमियल पी टी इज इक्वल टू टी माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू टी माइनस थ्री। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।